हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक एडवाइस। मार्सल भगत भाई आर सेकंड पॉप एमबीबीएस स्टूडेंट एट एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। दोस्तों, मुझ पर यूट्यूब में बहुत बार लोगों ने क्वेश्चन किया कि यदि आपको एम्स पटना मिल रहा था तो आपने एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर क्यों चुना। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, बल्कि मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एम्स पटना की जगह एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर क्यों लिया। दोस्तों, हर एक नीट एस्पिरेंट की यही ख्वाहिश होती है कि वो नीट क्वालिफाई करके या तो एम्स में जाए, नहीं तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। तब मैं 2017-18 में अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे भी विचार कुछ इसी तरह थे। मैं चाहता था कि मैं अच्छे मार्क्स लाकर किसी एम्स में एडमिशन लूँ। दोस्तों, 2018 में नीट और एम्स सेपरेट हुआ करते थे, मीन्स हमें यदि एम्स में एडमिशन चाहिए तो वो हमें नीट के थ्रू नहीं मिलेगा, हमें एम्स का अलग से एग्जाम देना होगा। मैंने नीट और एम्स दोनों के एग्जाम दिए। सबसे पहला हमारा नीट का रिजल्ट आया, जिसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, जिसके अकॉर्डिंग मुझे अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाता। इसके कुछ ही दिनों बाद हमारा एम्स का रिजल्ट आया और मेरा उसकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी सिलेक्शन हो गया। मैं इसको लेकर काफ़ी खुश था, लेकिन जैसे ही हमारे एम्स की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई, मुझे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जिस प्रकार से रैंक थी उस हिसाब से मैंने कॉलेज नहीं सिलेक्ट किए हुए थे। मैंने सिर्फ टॉप एम्स में भरे हुए थे, जिसमें एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल और एम्स जोधपुर इंक्लूड था, और बाकी के एम्स मैंने छोड़ दिए थे। इसके बाद हमारे जो स्टेट काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई। मैंने अपनी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया और मुझे पहले ही राउंड में एमजीएम मेडिकल कॉलेज मिल गया, जो कि मध्य प्रदेश का टॉप मेडिकल कॉलेज है। ए मिलने के बाद मैंने इसमें एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैंने एम्स की काउंसलिंग भी की सेकंड राउंड, और मुझे फाइनल राउंड में एम्स पटना अलॉट हुआ। एम्स पटना को लेके काफ़ी द्वंद्व थे मेरे माइंड में। मैंने लोगों से पूछा कि एमजीएम अच्छा है या एम्स पटना अच्छा है। कुछ लोगों ने बोला कि एम्स बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों ने बोला कि एम्स पटना जो है वो एम्स में लोअर पे है, और जो एमजीएम है वो स्टेट में टॉप मेडिकल कॉलेज है, तो आप टॉप मेडिकल कॉलेज में जाओ, लोअर एम्स में जाने से अच्छा है कि आप अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाओ। और इसके अलावा मेरे साथ दो प्रॉब्लम और थी। मैंने एमजीएम में एडमिशन ले लिया था और अपना सीट लीविंग बॉन्ड भर दिया था। इसका मतलब ये होता है कि यदि मैं एमजीएम की सीट छोड़ता हूँ तो मुझे 5 लाख पे करने होंगे। और दूसरी कंडीशन ये थी कि मैं बचपन से ही घर से भाग रहा हूँ, तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ। दोस्तों, यही कुछ वजह थी जिनकी वजह से मैंने एम्स पटना की जगह एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रेफर किया। दोस्तों, मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में आके काफ़ी खुश हूँ। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे इस कॉलेज को छोड़कर एम्स पटना जाना चाहिए था। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त मिले, जो मेरी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आप कौन से मेडिकल कॉलेज या एम्स इंस्टीट्यूट में हैं, हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आप कौन सा मेडिकल कॉलेज या एम्स इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताएं। एंड हैंडशेक विद अस बाय सब्सक्राइबिंग द रेड कलर बटन सोन बिलो दिस वीडियो। थैंक यू।